लिए जाते थे, फिर जमींदारों का जमाना आया उसमें भी यही होता था, और इसके बाद अब लूटने वाला दिखाई नहीं देता है आपको। आप किसान देश का इतना भोला है कि इसकी रोज आमदनी और ताकत कम हो रही है, रोज गरीब हो रहा है, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं है कैसे हो रहा है। मैं बताता हूं, क्योंकि मैं किसान आंदोलन से निकला हुआ आदमी, आज से 10 साल पहले जितना धान बेच के आपको बाजार में सामान मिलता था, आज उसका आधा सामान मिलता है। गरीब हुए कि नहीं हुए, जितनी चीजें आप बेचते हो उसका दाम कोई और तय करता है, और जितनी चीज आप खरीदते हो उसका भी दाम कोई और तय करता है। और ये जो आपकी लूट है, जब बोने के लिए चलते हो 1000 रुपए क्विंटल, और जब काटने के लिए जाते हो तो 700 रुपए क्विंटल, 3 महीने में 300 रुपए का फर्क एक क्विंटल पे आ जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि ये कौन सा सिस्टम है, कहां से ये चीज हो। बढ़िया से बढ़िया सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान परस्त सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं देखता हूं बढ़िया दाम दे दिया उन्होंने। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी कि लागत में 50 सैकड़ा जोड़ के देंगे, उसको मांग लिया। ये जब घोषणा पत्र बीजेपी का लिखा जा रहा था, आज मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं उस घोषणा पत्र की कमेटी में किसानों का सेक्शन लिखने का इंचार्ज था, और सुब्रमण्यम साहब जब हम ये लिखने लगे, मैं था, धनखड़ जी थे, रूपाला जी थे वहां के, वहां गुजरात के, तो हमने कहा कि यार ये लिख देना चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक दाम मिलना चाहिए। तो हम लिख तो रहे थे, लेकिन हमें डर था कि जिस तरह की हमारी पार्टी है शायद उसमें ये बात ना मानी जाए। मैंने अपने एक और दोस्त नेता को फोन किया जो राजस्थान के थे, चौधरी सामलदार। मैंने कहा चौधरी साहब हम ये लिखने जा रहे हैं, इसको लिख दें कि ना लिखें। तो उसने बहुत बढ़िया बात की, उसने कहा मलिक साहब रोज ये मौका नहीं मिलता कि कलम आपके हाथ में हो, लिख दो आप, और इससे मत डरो कि मांग पूरी होगी कि नहीं, वो तो हम सड़क पे बैठ के मनवाना जानते हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि शुरू के दिनों में मैं खुद पार्टी में था, लेकिन शुरू के दिनों में हमारे यहाँ झिझक थी कि दाम कैसे देंगे, तो बहुत रुपया हो जाएगा। लेकिन देश में पिछले 4 साल में जहां भी कोई किसान आंदोलन हुआ है, जहां भी कोई लड़ाई हुई है, जहां भी किसान धरने पे बैठे हैं, वहां उसके मांग पत्र की पहली मांग होती थी कि स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से किसान को फसल का दाम मिलना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को मान लिया और ये तय हो गया कि दाम उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन फिर मैं पलट के आ रहा हूं, उन्होंने तय कर दिया, सरकार ने मंजूर कर लिया, लेकिन जो बाजार की ताकतें हैं वो भी बाज नहीं आई। किसान के जब फसल आती है कट के, तो उसके